हमारी जो साइबेरियन हस्की है डॉली फीमेल, डॉली कंसीव है, तो 16 से 18 तारीख के बीच में डॉली पपीस दे देगी। आज पहली बार दोस्तों मैं देख रहा हूँ इस नाले पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे जब भी मैं गुजरता हूँ कोई ना कोई यहाँ पे नहा रहा होता है। तो अभी मैं राइड पे निकल गया हूँ, तो देखिए और दोस्तों इसमें ब्रेक भी नहीं है। मोटो व्लॉगिंग इन साइकिल। तूने गियर वाली लेनी थी, गियर वाली हो जाएगा ऐसा? ए वाई आई टी एच यू टी एच यू तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं मंदिर में। दौड़ते हुए आ जा। साइकिल आ रही है। तो दोस्तों इस रोड पे साइकिल चलाने का मज़ा ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही कम है, ना के समान, लेकिन थोड़ी थोड़ी चढ़ाई भी है कई जगह पे। रोड देख लीजिए कितने प्यारे हैं। आज बहुत आगे तक चले गए थे दोस्तों, हम इतना आगे कभी नहीं गए। गया तो मैं ही था साइकिल पे, पीछे पीछे ये भी आ गया क्योंकि साइकिल तो इसी की थी ना। तो भाई देखो राइडिंग कर रहे हैं और चांद पे आप लोग देख सकते हो कि मैं भी ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ, जो मेरा भी यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपनी राइडिंग की ब्लॉगिंग ब्लॉग डालता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखो खुला रोड है तो भाई पूरा मज़ा ले रहे हैं साइकिल चलाने का। तो देखते रहिए कि भाई कैसे साइकिल चला रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भैया पता नहीं किधर गुम हो चुके हैं, तो भैया को ढूंढते हैं।
भैया बड़ी तेज साइकिल भगा के ले गए थे, तो अभी भैया का पता नहीं भैया कहाँ पे चले गए, तो देखते भैया कहाँ पे हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भैया वो आगे खड़े हुए हैं, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो चलो हम भैया के पास चलते हैं। और भैया इतनी तेज़ यहाँ से साइकिल भगा के ले गए थे, पीछे चढ़ाई भी है पर तो भी भैया नहीं माने और भैया इतनी तेज साइकिल को भगा के ले गए। हरिओम दोस्तों, आज हम रात में नान खाने आए हैं। नान जो ब्रेड होता है एक, ये वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में मेनली बनाया जाता है, जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार, इंडिया और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में भी बनाया जाता है। हर कंट्री का जो नान होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें आटा डाला होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स और पानी, नमक। तो इसके साथ ये देखिए चने हैं यहाँ पे और ये चटनी है प्याज वाली, तो अभी खाते हैं। और इसके ऊपर बटर लगा दिया, देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में ओवन में कुक करके बनाया जाता है और इंडिया में और पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में तंदूर में बनाया जाता है। तंदूर तो आपको पता ही होगा, तो भी खा लेते हैं। कैसा है भाई? तो भाई हमें यहाँ पे लेके आए, खा लेते हैं। पहले दोस्तों खाना नहीं खा रही थी, फिर मैंने शेरू को बुलाया, शेरू को देख के खाना खाने लग गई कि शेरू मेरा खाना ना खा ले। ये देखिए वहाँ पे आरब नहा रहा है, तो हमारी जो साइबेरियन हस्की है डॉली फीमेल, घर वालों ने फ़ोटो भेजा है तो मुझे लग रहा है कि कंसीव है। मैंने कुछ अपने दोस्तों को भेजा जिन्होंने पहले से डॉग्स रखे हैं, एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा कि 100% डॉली कंसीव है, तो 16 से 18 तारीख के बीच में डॉली पपीस दे देगी। मैं सोच रहा हूँ कि डॉली के पपीस अडॉप्शन में दूँ या ना दूँ अभी, क्योंकि दोस्तों एक बार हमने चरवाहों से पपी लाया था छोटा सा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गद्दी चरवाहों से, इतना बड़ा हो गया वो, भैंस की जन डाली थी हमने साल में, हम गाँव में रहते तो हमें देना पड़ा हो और फ्री में दे दिया, लोग उसके पैसे भी दे रहे थे कई, लेकिन हमने दिया नहीं, फ्री में दे दिया। और उन्होंने ढंग से नहीं पाला, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे और फिर मर गया वो। इतना अच्छा डॉग था, ब्लैक टैन कलर में, TM था वो। तो अब मेरा मन सा उठ गया है कि अडॉप्शन में दूँ, क्योंकि लोग पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाद में फिर, लेकिन अभी मैं सोचूँगा इसके बारे में, तो टच में रहना। और डॉली अपनी खाना खा रही है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम। इधर देख, इधर इधर देख, इधर तो देख, इधर देख, क्यों? ठीक है, क्यों शर्मा रहा है पर तू? नहीं नहीं, मैं लूं तू। शर्मा क्यों रहा है ये तो बता। लड़कियों की तरह शर्माता है कैमरा से?